कहाँ हो? वही जहाँ हम पहली बार मिले थे। किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अब थोड़ा लेफ्ट लो, बस वो ब्लू वन उसे काटने की कोशिश। कम ऑन करो ब्रो, ध्यान से वरना वो भी तेरी काट सकता है। उसको पता है कि ये किसकी पतंग है, वंश के भाई की। काट दी ना तो फुटबॉल में पैर नहीं रखते दूंगा। कम ऑन करो, कम ऑन गाइस, बातें बंद, ध्यान अभी सिर्फ ऊपर, ओके? ध्यान बढ़ जाता है ना ऐसे। फोकस फोकस, कम ऑन, थोड़ा और लेफ्ट। बेटा क्या कर रहे हो आप, थोड़ा और लेफ्ट। डरने की कोई बात नहीं बेटा, पापा है ना यहाँ पर, कुछ नहीं होगा आपकी गाइड को। मेरे बच्चे को कोई टेंशन दे, परेशान कर, मैं होने नहीं दूंगा। पापा जान लगा देंगे कायरव, लेकिन आपको दास्ती होने देंगे। कार्तिक बेटा क्या कर रहे हो, पतंग ही तो है, कागज की है, खेल को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो बेटा। आपके लिए कागज की पतंग होगी पापा, मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। मेरे बेटे ने अपने मन से कुछ लिखा उस पर। के कायर छोटा सा कटे, आप टेंशन मत। पापा अभी आपकी पतंग को और ऊपर ले जाएंगे, देखना। नहीं देखना मुझे पापा, मत लेके जाओ उसे, मुझे नहीं चाहिए वो, कट कट होने दो उसे। बेटा आप समझ नहीं रहे हो बात को। पापा आप नहीं समझ रहे। कार्तिक बेटा छोड़ो, नहीं चाहिए उसे। भैया भैया देखिए आपके हाथ से खून आ रहा है। ओके चिल गाइस, कुछ नहीं होगा, 2 मिनट में खून भी बंद हो जाएगा और ये पेंच भी। बस कटने वाली है उसकी पतंग। जिसकी आत्मा में जख्म हो गए वो इस भारी चोट की क्या परवाह करेगा स्वर्णा? मतलब तुम्हें बस उसकी उंगली की चोट दिख रही है और मैं उसके मन के जख्म देख पा रहा हूं। सॉरी पापा, मुझे आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। मैं होने नहीं दूंगा, ये पतंग मैं जाने नहीं दूंगा बेटा। मुझे जाना होगा, ये पतंग लाना होगा वापस। कोई बात नहीं पापा, जाने दीजिए। नहीं नहीं बेटा, आप ऐसे उदास मत हो, ये पतंग मैं ले आऊंगा वापस। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आपको जो चाहिए, कोई नहीं छीन सकता आपसे कुछ भी। याद रखना आपके पापा है ना, वो ले आएंगे पतंग वापस। आपको भरोसा है ना पापा पे? तो अब यही रुक। पापा किसी की बात क्यों नहीं सुनते, इतना चेंज क्यों हो गए?
चोट लगी है ना? मेरा एक मिनट क्या हुआ बेटा? ठीक है, इट्स ओके, इतना कुछ नहीं। खैर अब छोड़ो आप। सॉरी पापा। चला तो नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं। पट्टी गिरी नहीं करनी और कल इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, जैसे वंश भैया को चोट लगी थी फिर उन्होंने लगवाया था ना, वैसे ही। इंजेक्शन की क्या जरूरत है? इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी डर लगता है इंजेक्शन से, तो नहीं नहीं पापा, ब्रेव बनो, डरने से कुछ काम नहीं होगा। क्या ब्रेव बनो? अच्छा ठीक है, मुझे मुझे सोचने दो। हाँ सोच लिया? हाँ सोच लिया। कितने बजे जाएंगे? कितने भी नहीं, मैं पहले डॉक्टर को कॉल करूंगा, उनसे पूछूंगा कि जाने की जरूरत भी है या नहीं, और फिर अगर उन्होंने कहा तो देखेंगे फिर। हाँ पढ़ लिया होगा, आपकी मम्मा की नजरों से कोई चीज छुपती है कभी? याद है आपको जब हम उनके बर्थडे पर स्पेशल कार्ड बनाते थे उनके लिए और पिलो के नीचे छुपा देते थे, तब भी उन्हें पता चल जाता था कि पिलो के नीचे कुछ तो है। पता नहीं कैसे वो यूं है बेटा कि जितने भी मदर्स होते हैं ना वो सब सुपर वुमन होते हैं, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, स्पेशल पावर होते हैं उनके पास। क्या इसीलिए गॉड ने उनको अपने पास बुला लिया? सॉरी पापा, मुझे मम्मा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको सैड फील हो रहा है ना? नहीं, हमने तय किया ना कि नारा को याद करके, आपकी मम्मा को याद करके हम कभी सैड नहीं होंगे, उन्हें याद करके सिर्फ खुश होंगे हम लोग, वो भी यही चाहती है सच्ची। वो तो हर वक्त हमें देखती है, हमारी केयर करती है, देखती है कि हम खुश है या नहीं, हम खेल रहे या नहीं, स्माइल कर रहे या नहीं, ठीक है या नहीं, सब पता चल जाता है उन्हें। ये भी पता चलता है कि हम गुड बॉयज है या नहीं, टाइम पे सो रहे, टाइम पे खा रहे, हर चीज। और ओह गॉड, क्या हुआ? अब तो उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि मैंने राजमा नहीं भिगोए कल के लिए, आपको राजमा चावल खाना था ना कल, सॉरी। नहीं नहीं पापा, इट्स ओके, मैं कुछ भी खा लूंगा। नहीं नहीं ऐसे कैसे, आपकी डिमांड हुई है तो वो तो पूरी होगी, राजमा चावल मिलेंगे आपको कल। मैं भी पापा, मेरी आपसे एक और डिमांड है। हाँ बोलो ना, कुछ भी। क्या मैं वो बड़े वाले पार्क में खेलने जा सकता हूँ? नहीं नहीं बेटा, वो वाले ग्राउंड में मत खेलो, वहाँ पे वो बिग बॉयज खेलते हैं ना, बहुत शरारती है, मैंने देखा उन्हें, बहुत रफ खेलते हैं वो लोग, आपको चोट लग सकती है। ये घर के पास ही जो ग्राउंड है ना वहाँ पर जाते हैं, मैं लेके जाता हूँ, साथ में फुटबॉल खेलेंगे, बहुत मजा आएगा बेटा, देखना। ओके गुड, अच्छा बच्चा मेरा। बेटा बाप से दुख छिपाता है और बाप बेटे से, और मैं बाप का बाप होकर भी कुछ नहीं कर पाता। Yeah.
तो पापा है, तो वो क्या बोलेंगे? वेरी नाइस। पापा जानबूझ के मम्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहते, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो आपको हमारी मम्मा के बारे में सब कुछ बताऊंगा। हमारी मम्मा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा थी। नहीं 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 नहीं, नहीं। थी नहीं है, उनसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। अच्छा अक्षु ये सुनो, मम्मा के आंखों के तारे कारव और अक्षु सबसे प्यारे। मुझे दो मिनट बना दे। अरे नहीं नहीं माँ, बस बस हो गया। सॉरी वो माजी का कॉल आया था इसीलिए 5 मिनट देर हो गए। दो मिनट तो कोई बात नहीं। हाँ वैसे भी हर रोज बच्चों के लिए नाश्ता मैं ही बनाता हूँ। फिर और मैं रोज मना करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मुझे बहुत बुरा लगता है कार्तिक। बच्चे हमारे भी तो कुछ है ना, या तो तुम कह दो कि माजी की तरह आप लोग भी आश्रम चले जाओ। माँ आप गलत समझ रही हैं, हर किसी की अपनी जगह है उनकी लाइफ में। मैं बस वो जगह भरने की कोशिश कर रहा हूँ जो खाली रह गई है। मेरी जीने की वजह बन गई है, इसे मत जीने प्लीज। अभी नहीं खाया था, अभी खाकर 1 घंटा हो चुका है। और वो दूध और टोस्ट भी कोई ब्रेकफास्ट होता है? ये है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। बड़े होकर बिग और स्ट्रॉन्ग बनना है ना आपको, तो फिर खाने पीने पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा बेटा। चलो मैं खिलाता हूँ। पापा मम्मा की तरह खिलाओ ना हेलीकॉप्टर बना के। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।